नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। जौनपुर में एक भीषण सड़क हादसा हुआ। इस हादसे में कार चालक समेत आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए। सभी घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। बता दें कि हादसा तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर बस को बचाने के चक्कर में हुआ। तो वही घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस इस पूरे मामले की जाँच पड़ताल में जुट गई है। आगरा में पहली बार हुनर हाट लगाया जा रहा है। इस हाट में 32 अलग अलग राज्यों और केंद्र शासित राज्य से शिल्पी स्टॉल लाएंगे। तकरीबन यहां 300 से ज्यादा स्टॉल लगाई जाएंगी। बता दें कि इस हुनर हाट में सभी लोगों का प्रवेश बिल्कुल निःशुल्क रहेगा। इसके अलावा इस हुनर हाट में कई बॉलीवुड हस्तियां अपनी प्रस्तुति भी देंगी। बात करें कि क्या खास होगा इस हुनर हाट की, तो इसमें आपको कई सारे व्यंजनों का स्वाद मिलेगा। इसके अलावा स्टॉल लगाने वाली हर दुकानदार को सरकार की तरफ से प्रतिदिन 1000 रुपये राशि दी जाएगी। ये हुनर हाट 18 मई से 29 मई तक शिल्पग्राम में लगाया जाएगा। इस हाट का आयोजन केंद्र अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय करता है। और अब खबर एटा से, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में कमरे में पेट्रोल की टंकी पंप के कर्मचारी का शव लटका मिला। मृतक युवक की पहचान दूरबीन सिंह के नाम से हुई है। मृतक की उम्र 45 साल है और वो शीतलपुर कोतवाली नगर एटा का रहने वाला है। बता दें कि घटना की सूचना मिलते ही अपर पुलिस अधीक्षक धनंजय सिंह कुशवाहा, सीओ सदर राघवेंद्र सिंह राठौर पहुंचे घटनास्थल पर और पहुंचकर शव को नीचे उतारकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मामले की जानकारी जांच पड़ताल में जुट गए। कोतवाली नगर पुलिस को आज प्रातः सूचना मिली कि इनका पेट्रोल पंप अलीगंज से राम केवल निवासी सीतलपुर उम्र लगभग 45-46 साल की संदिग्ध परिस्थितियों में शव प्राप्त हुआ है। और पंप पे थे, रात की ड्यूटी थी इनकी जी। उसके बाद सुबह हमको पता चली थी जी, 5:30 बजे करीब पंप के जो मुनी महका उन्होंने फ़ोन किया था, तब हमको पता चली है। ये अंदर लटके हुए थे, सिर में इनके ईंट से चोट लगी हुई है। पीलीभीत में दावत के दौरान एक दर्जन से अधिक बालिकाओं और महिलाओं की अचानक हालत बिगड़ गई, जिसके बाद सभी को आनन फानन में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। घटना थाना न्यूरिया क्षेत्र के कुंवरपुर गांव की है। बता दें कि थाना न्यूरिया क्षेत्र निवासी पूरनलाल वर्मा के नए घर के गृह प्रवेश के दौरान शाम को कन्या भोज करवाया गया था, जिसमें कन्याओं सहित तमाम महिलाओं के भोजन ग्रहण करने के दौरान एक के बाद एक लगभग एक दर्जन से ज्यादा महिलाओं और बच्चियों की हालत बिगड़ने लगी, अचानक बेहोश होने लगी। देखते ही आनन फानन में सभी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां सभी का इलाज जारी है। तो वही डॉक्टर का कहना है कि सभी कार्यक्रम के दौरान फूड पॉइजनिंग का शिकार हुए हैं, फिलहाल सभी खतरे से बाहर हैं। ये ड्यूरिया से आए हैं और ये जो 12 पेशेंट हैं, फूड पॉइजनिंग थी इनको और इनको जो है उल्टी वगैरह हो रही थी, पेट दर्द था, काफ़ी प्रॉब्लम थी और जो है इनको हमने एडमिट कर लिया है, इलाज चल रहा है, सभी की कंडीशन सही है, आउट ऑफ डेंजर है। 10 कन्याओं ने जो भोजन किया था उसके बाद में एक ने भोजन किया वो बेहोशी की हालत में गिर गई। उसके बाद में एक एक करके सारी लड़कियां गिर गई। उसके बाद में हमारी माता जी उन्हें देख के वैसे होश हो गई। हम लोग आनंद फरंग में उन्हें लेके आए थे, बाकी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में लेके। आगरा में बच्चों को स्कूल ले जा रही बस अचानक पलट गई। बस पलटने से सभी बच्चे दहशत में आ गए। तो वहीं बच्चों की चीख पुकार सुन खेत में काम कर रहे ग्रामीणों ने बच्चों का रेस्क्यू किया। बता दें कि इस बस में 20 से 25 बच्चे सवार थे। तो वहीं आगरा के श्रीमती देवी विद्यापीठ स्कूल वमनपुरा की ये बस बताई जा रही है। हाल ही में आगरा के सीएमओ ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध वसूली में 2 स्टाफ नर्स को निलंबित कर दिया। बता दें कि पूरा मामला आगरा के फतेहाबाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का है, जहां कुछ दिन पहले दोनों नर्सों पर एक मासूम की मौत के दौरान परिवार वालों ने सुविधा शुल्क लेने के आरोप लगाए थे, जिसके बाद सीएमओ की तरफ से जाँच के आदेश के बाद मौके पर दोषी पाई गई स्टाफ नर्स को निलंबित करने का फैसला लिया गया। कल ये समाचार मिला था कि यहाँ पे 2 प्रसव हुए थे, जिसमें एक बच्चे 2 नवजात शिशु की मृत्यु हुई थी। तो उसको आज चूँकि सारे जो डॉक्यूमेंट और उसकी जांच के लिए समिति बना दी गई है, जिसमें विशेषज्ञ डॉक्टर हैं, हमारे गायनकोलॉजिस्ट हैं और पीडियाट्रिशियन हैं, साथ में ACMO NHM अध्यक्षता कर रहे हैं। आज वो अभी अपनी इंक्वायरी शुरू करेंगे
और जो भी इसका तकनीकी पक्ष है उसको भी देखेंगे, क्योंकि परंतु एक और आरोप लगा था पैसे लेने का, उसको देखने के लिए मैं यहाँ पे सभी डिलीवरी से आज जैसे मैं कंट्रोल रूम से फ़ोन करा रहा हूँ और साथ में एक दो से बात की है, तो प्रथम दृष्टा लगता है कि जो स्टाफ है यहाँ का विद आशा, ये लोग पैसे लेने में इन लोग का दोष दिखाई पड़ रहा है। श्रद्धालुओं के लिए एक अच्छी खबर है, अब चार धाम यात्रा के बाद श्रद्धालुओं को श्री हेमकुंड साहिब धाम में भी प्रतिदिन दर्शन करने का मौका मिलेगा। सरकार से विचार विमर्श के बाद गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब ट्रस्ट ने यह निर्णय लिया। बता दें कि प्रतिदिन 5,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं की संख्या निर्धारित की गई, तो वहीं गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब ट्रस्ट के उपाध्यक्ष नरेंद्रजीत सिंह बेंद्रा ने बताया कि चार धाम यात्रा की तरह 5वें धाम के रूप में विकसित श्री हेमकुंड साहिब धाम में भी रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है, इसलिए श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं और व्यवस्थाएं मिल सके इसके लिए धाम में दर्शनों के लिए श्रद्धालुओं की संख्या निर्धारित कर दी गई है। इस संबंध में सरकार से विचार विमर्श करने के बाद निर्णय लिया गया है। धाम में ट्रस्ट के सभी ट्रस्टी साहबान, सभी धार्मिक संस्थाओं के मुखी एवं सरकारी मंत्री 19 मई को ऋषिकेश से यात्रा को हरी झंडी देकर रवाना करेंगे। सरकार और गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहब मैनेजमेंट ट्रस्ट ने आपस में मिल बैठकर ये फैसला किया है कि प्रतिदिन 5,000 व्यक्ति श्री हेमकुंड साहब के दर्शन दीदारे कर सकते हैं। चारधाम की यात्रा भी पूरे जोरों शोरों से चल रही है और सरकार द्वारा 2 ऐप बनाए गए हैं जिन पे आप लोग जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करवा के ई पास ले सकते हैं। भूमाफियाओं के इलाकों में चोरों के हौसले बुलंद होते नजर आ रहे हैं। खबर यूपी के प्रतापगढ़ से, जहां कुछ चोर पहले कई मंदिरों को निशाना बना चुके हैं, अब ये चोर घरों को निशाना बना रहे हैं। बता दें कि हाल ही में इन चोरों ने एक घर से 40,000 रुपए नगद, 2 मोबाइल समेत लाखों के गहनों पर हाथ साफ किया। बुलंदशहर में बेशर्मी की एक अलग ही नजीर पेश हुई है, साथ ही शिक्षा के मंदिर की मर्यादा को भी तार तार किया गया। बता दें कि लखावटी क्षेत्र में स्थित प्राइमरी स्कूल के बच्चों के सामने शिक्षा मित्र और हेडमास्टर के बीच जमकर लात घूसे और चप्पलें बरसती दिखाई दी, जिसके बाद पीड़ित शिक्षा मित्र ने थाना औरंगाबाद हेडमास्टर के खिलाफ तहरीर देते हुए इंसाफ की मांग की। लेकिन इन सबके बीच सवाल ये उठता है कि अगर शिक्षालय में शिक्षक ही ऐसा अभद्र बर्ताव करेंगे तो आखिरकार बच्चों का भविष्य कैसे सुधरेगा। दो दिनों तक गोपीनाथ मंदिर परिसर से अपने भक्तों को दर्शन देने के बाद चतुर्थ केदार रुद्रनाथ की उत्सव डोली मंगलवार को सीधे अपने मंदिर के लिए रवाना हो गई है। मंदिर परिसर में भक्तों के जय रुद्रनाथ जय गोपीनाथ के जयकारों से गोपेश्वर नगरी गुंजियमान हो गई। रुद्रनाथ मंदिर के कपाट 19 मई को बहुमूर्त में 5 बजे खोल दिए गए हैं और बता दें कि यात्रा के पहले दिन उत्सव डोली लुइंटी बुग्याल पहुंची, जबकि 18 मई को रुद्रनाथ मंदिर पहुंचेगी। यहाँ 19 मई को परंपराओं के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त में मंदिर के कपाट श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ खोल दिए जाएंगे। हाल ही में दिल्ली से कन्नौज जा रही महिला के साथ बस चालक द्वारा छेड़खानी करने का मामला सामने आया है, जिस पर जब मसीहा बस चालक का विरोध किया तो दोनों के बीच नोकझोंक हो गई। महिला ने यह विरोध किया था, जिसके बाद गुस्साई महिला ने कन्नौज बस स्टाफ पर बस चालक को दौड़ाकर पीटा, जिसका वीडियो तेजी के साथ सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बीते दिनों शांतिपुरी में हुए संदीप कार की हत्याकांड में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस ने वारदात को अंजाम देने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि बीती 14 मई को खनन वाहनों को रास्ते से हटाने को लेकर 2 पक्षों में विवाद हुआ, जिसके बाद एक पक्ष मोहन सिंह और दीपक सिंह ने अपने साथी ललित मेहता को पिस्टल के साथ मौके पर बुला लिया, जहां ललित मेहता ने दूसरे पक्ष संदीप कार्की की छाती में गोली मारकर हत्या कर दी, जिसके बाद मृतक संदीप कार्की के भाई किशन कार्की ने पुलिस को तहरीर सौंप कर कार्रवाई की मांग की, जहाँ पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सीसीटीवी कैमरों और
के आधार पर लाल कुआ रोड मंदिर मस्जिद के पास से अभियुक्त मोहन सिंह मेहता को गिरफ्तार किया। अभियुक्त ललित सिंह मेहता और दीपक मेहता को नंगला बाईपास से गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि पुलिस ने आरोपी के पास से 32 बोर की पिस्टल भी बरामद की है। केवल यहाँ तक नहीं रुकेगा कि अरेस्टिंग हो गया, तो हमने इसमें गैंगस्टर की कार्रवाई भी कर रहे हैं और संपत्ति जब्तीकरण का भी कार्रवाई कर रहे हैं। हमने अभी तक उसमें 6-4 डंपर, 1 जेसीबी और 2 ट्रैक्टर ट्रॉली जो इसका आरोपी का मुख्य अभियुक्त जो खनन के काम में लगा रहता है, अवैध खनन में लगा रहता है, उसकी सारे 5-6 गाड़ियों को बंद करके अवैध खनन में रिपोर्ट भेज दिया है और मैक्सिमम से मैक्सिमम जुर्माना लगाया जाएगा। इसके ऊपर पिछले 3 मुकदमे हैं, एक 308 का मुकदमा था और उसके बाद 325-326 का मुकदमा है, वो भी 2020 में। इन सभी के आधार पर हमने गैंगस्टर का कार्रवाई कर रहे हैं। शीघ्र ही 1-2 दिन में गैंगस्टर हो जाएगा। गैंगस्टर के तुरंत पश्चात जो है संपत्ति जब्तीकरण का कार्रवाई पूर्ण किया जाएगा। इसका पूर्ण जिम्मेदारी हमारा CO पंतनगर आशीष भारद्वाज। यूपी के शाहजहांपुर में पुलिस ने ऑपरेशन पाताल के तहत एक बार फिर से बड़ी कामयाबी हासिल की। यहां पुलिस ने फर्जी नंबर प्लेट लगी 2 लग्जरी कारों से तस्करी को जा रही 2,50,000 की शराब के साथ 4 लोगों को गिरफ्तार किया। इसके अलावा पुलिस ने इनके पास से 7,000 रुपये नगद और अवैध कारतूस भी बरामद किए हैं। बता दें कि इनके पास से 11 पेटी अंग्रेजी शराब, हरियाणा मार्का और अवैध असलाह कारतूस बरामद किया गया। पुलिस पूछताछ में अभियुक्त ने बताया कि हम लोग हरियाणा से अंग्रेजी शराब को खरीद कर लाते हैं और उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में महंगे दामों पर बेच देते हैं। शाहजहांपुर पुलिस ने रात्रि चेकिंग के दौरान महत्वपूर्ण सफलताएं प्राप्त की हैं। मदनापुर पुलिस ने रात्रि चेकिंग में एक लग्जरी कार पकड़ी है जिसमें से 13 पेटी अंग्रेजी शराब की पाई गई जो हरियाणा माल का है। इनमें से 2 अभियुक्त गिरफ्तारी की गई है। इसी प्रकार कोतवाली में चेकिंग के दौरान एक लग्जरी कार से 11 पेटी अवैध इंग्लिश की बरामद की गई जो हरियाणा माल का की होगी। इसमें भी 2 अभियुक्त गिरफ्तारी की गई जो हरियाणा के रहने वाले हैं। इनके पास से 2 तमंचे बरामद हुए हैं, 2 मोबाइल फ़ोन, 7,000 रुपए लगभग बरामद हुए हैं इनकी जमा तलाशी में। इनसे पूछताछ में पाया गया है कि ये हरियाणा से शराब लेकर इसी प्रकार की छोटी गाड़ियों लग्जरी गाड़ियों में उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों के बेचते हैं और अच्छा लाभ कमाते हैं। त्रिवेणी घाट चौक पर एक रेस्टोरेंट में खाना खाने के दौरान पर्यटकों की बाहर खड़ी कार से अज्ञात बदमाशों ने शीशा तोड़कर कुछ नगद और मोबाइल पर हाथ साफ कर दिया। वारदात के बाद पर्यटकों ने कोतवाली पुलिस को तहरीर देकर मामले में कानूनी कार्रवाई की मांग की। जानकारी के मुताबिक बैंक कर्मचारी गुड़गांव निवासी उमेश कुमार रविवार को अपने परिवार के साथ घूमने के लिए ऋषिकेश पहुंचे। तकरीबन 11:30 बजे रात के त्रिवेणी घाट चौक पर एक रेस्टोरेंट में वो खाना खाने के लिए रुके और इस दौरान किसी ने उनकी कार का शीशा तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। उमेश कुमार ने बताया कि उन्होंने वारदात की जानकारी पुलिस को दी है, लेकिन तहरीर देकर वारदात करने वाले बदमाश के खिलाफ पीड़ित ने कार्रवाई की मांग की। यहाँ पर हमने गाड़ी खड़ी करी राजस्थानी में खाना खाने के लिए, वहाँ थोड़ा वेटिंग था तो हम उसके सामने वाले रेस्टोरेंट में चले गए। गाड़ी खड़ी करी, दोबारा आके गाड़ी मैंने चेक करी, गाड़ी लॉक थी, सही था। वापस हम जब तक ऑर्डर आया खाना निकला, खाना खाए, खाना खाने के बाद हम थोड़ा होटल चेक करना था, जस्ट पीछे होटल के लिए गए, 10 मिनट और लगा। वापस आए कि गाड़ी लेके जाते हैं, फैमिली को लेके आ जाते हैं। उतने में मैंने देखा कि मेरी गाड़ी में कांड हो चुका है, शीशा पीछे का मैंने क्या देखा, मेरे भाई जो साथ में उन्होंने देखा पीछे खुला है, चेक कर गया सामान। शाहजहांपुर पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। बता दें कि SP के निर्देश पर असलाह बनाने वालों के खिलाफ शुरू किए गए अभियान में रोजा थाना पुलिस से अवैध हथियार फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया गया। बता दें कि पुलिस टीम ने मुफ्त की सूचना पर अहमदनगर के एक बाग में छापा मारकर असलाह बनाने की फैक्ट्री को आड़े हाथों लिया है। तो वहीं मिली जानकारी के मुताबिक अवैध असलाह बनाने की फैक्ट्री का संचालन थाना रोजा के एक हिस्ट्री शीटर प्रद्युमन को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में अपराधियों के विरुद्ध चल रहे अभियान के तहत अवैध शस्त्र फैक्ट्रियों एवं अवैध शस्त्र का प्रयोग करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई के क्रम में थाना रोजा को एक बहुत महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। इनके द्वारा मुखबिर की सूचना पर प्रद्युम्न नामक अपराधी को गिरफ्तार किया गया है जो थाने का टॉप 10 भी है और इसके विरुद्ध करीब 1.5 दर्जन अभियोग पूर्व से पंजीकृत हैं और ये शस्त्र बनाने के ही कारोबार में संलिप्त भी था। इसके कब्जे से 2 तमंचे 315 बोर जो पूर्ण निर्मित हैं, 1 अर्धनिर्मित तमंचा है और इसके अलावा तमंचा बनाने आम उपकरण होते हैं वो सब बरामद हुए हैं। तो शाहजहांपुर पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी जहां SP के निर्देश पर असलाह बनाने वालों के खिलाफ अभियान शुरू किया गया, जहां रोजा थाना पुलिस ने अवैध हथियार फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है जहाँ से भारी मात्रा में अवैध असलाह बरामद किया गया, साथ ही 2 लोगों की गिरफ्तारी की गई है।
प्रयागराज के उत्तराव थाना क्षेत्र के महुआ कोठी बाजार में विदाई के वक्त दूल्हे द्वारा पल्सर बाइक की डिमांड कर देने पर बखेड़ा खड़ा हो गया, जिससे बाराती और घराती में जमकर कहा सुनी और मारपिटाई की नौबत आ गई। रिश्ता टूटने के कगार पर आ गया, लेकिन यूपी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों पक्षों को अच्छे से समझाकर और दोनों पक्षों का हाथ मिलवाकर दुल्हन की विदाई करा दी। बता दें कि दूल्हे और उसके पिता ने कहा कि बगैर पल्सर के दुल्हन को नहीं ले जाएंगे, जिसके बाद घराती बराती आमने सामने में जमकर कहा सुनी के दौरान यहाँ तक कि दोनों पक्षों में गाली गलौज और मारपिटाई की नौबत आ गई, जिसके बाद दुल्हन के चाचा ने यूपी पुलिस को घटना के बारे में जानकारी दी थी। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।